हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया न्यूज़ मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के अंडर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की वैकेंसियाँ निकली हैं, जिसके अंडर मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इसके अंडर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से आप इंडिया में बिलोंग करते हो, आप इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट्स इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उनकी जो एजुकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कम से कम आपकी जो ट्वेल्थ है वो पास होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स या फिर साइंस से, आपने अपनी ट्वेल्थ पास की हुई है, आप इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से लेके 25 ईयर्स के बीच में आपकी जो एज है वो होनी चाहिए, जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। और जो स्टूडेंट्स रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको यहां पे एज के लिए भी रिलैक्सेशन क्राइटेरिया रहेगा। आपकी जो एज है 18 से लेके 25 ईयर्स कौन सी डेट तक होनी चाहिए, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा मौका आपको यहां पे मिल रहा है। किसी भी स्टेट से आप यहां पे, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं, आप यहां पे दिल्ली पुलिस के अंडर जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के फॉर्म निकले हैं, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि कब से लेके कब तक इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल होना शुरू होंगे, और क्या इसका कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के अंडर सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या रिटर्न एग्जाम रहेगा, कौन से फिजिकली फिटनेस टेस्ट आपके रहेंगे, और मेल एंड फीमेल के लिए क्या फिजिकल आपका हाइट और वेट या फिर चेस्ट का क्या क्राइटेरिया रहेगा, और जो आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होगा उसमें आपका क्या सिलेबस रहेगा, सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहां पे आप देख सकते हैं, ये चीज आपकी मैं यहां पे क्लियर कर दूं कि कैंडिडेट्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री विल बी एलिजिबल टू अप्लाई, द वैकेंसी शॉल बी एडवर्टाइज इन अ लीडिंग न्यूज़पेपर इन इंग्लिश एंड हिंदी। ये जो एडवर्टाइजमेंट आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये जो हिंदी एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर हैं, लीडिंग न्यूज़पेपर, उस पर ये छपी गई है। यहाँ पे आप क्लियरली देख भी देख सकते हैं, यहाँ पे दिल्ली पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर भी ये एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है। मैं आपको इस एडवर्टाइजमेंट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली दे दूंगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, किसी भी पार्ट से आप इंडिया से बिलोंग करते हैं, आप इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपीज इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने की आपकी फीस रहेगी, जनरल वाले कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए, और रिजर्व्ड कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए यहां पे कोई भी फीस नहीं रहेगी, और ना ही फीमेल कैंडिडेट्स के अंडर यहां पे कोई भी फीस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए नहीं रहेगी। तो यहां पे सबसे पहले हम यहां पे इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो यहां पे हम देख लेते हैं, जो इनका मोड ऑफ रिक्रूटमेंट रहेगा। तो क्लियरली आप यहां पे देख सकते हैं, यहां पे सिर्फ और सिर्फ दो स्टेज है आपकी रिक्रूटमेंट की रहेंगी। इसमें आपका सबसे पहला CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जो एग्जामिनेशन जो है वो आपका यहां पर कंडक्ट होगा, जो कि आपका 100 मार्क्स का रहेगा। तो जो स्टूडेंट्स यहां पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को क्वालिफाई कर लेंगे, उसके बाद आपका फिजिकली एंड्योरेंस टेस्ट एंड फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट रहेगा। तो फिजिकली एंड्योरेंस टेस्ट में आपकी एफिशिएंसी चेक की जाएगी, रनिंग आपकी इसमें रहेगी, और मेजरमेंट टेस्ट में जो यहां पे हाइट और चेस्ट का क्राइटेरिया रखा जाएगा वो आपका फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट में चेक होगा। तो ध्यान दें कि फिजिकली एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट में आपको कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे, ये आपको सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाई करना है, जो इन्होंने यहां पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हाइट और चेस्ट का रखा होगा वो आपका वहां पे चेक होगा, और जो यहां पे इन्होंने दौड़ जो है, रनिंग जो है रखी होगी, वो आपको पार करनी है। तो यहां पे हम वन बाय वन मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए डिस्कस करेंगे। तो यहां पे आप देख सकते हैं, जितनी भी वैकेंसी इन्होंने मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए स्पेसिफाई नहीं की हैं, लेकिन जितनी भी वैकेंसी रहेंगी उसका यहां पे 15-15% यहां पे शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड रहेगा, और यहां पे आप देख सकते हैं 7.5% शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड रहेगा। सिमिलरली आप यहां पे देख सकते हैं 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्व्ड रहेगा। उसके बाद कोटा आप यहां पे देख सकते हैं, कौन से कोटे से आप बिलोंग करते हैं, उसी हिसाब से यहां पे रिजर्वेशन जो है वो वैकेंसीज में रहेगी। तो यहां पे हम सबसे पहले शुरू कर लेते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए, जो कांस्टेबल मेल कैंडिडेट्स के अंडर आएंगे उनकी यहां पे मिनिमम क्वालिफिकेशन 10+2 आपकी ट्वेल्थ जो आप किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होनी चाहिए। जब आप इसके फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस टाइम तक आपकी 12वीं पास होनी चाहिए, या यहां पे रिलैक्सेबल अप टू 11th क्लास। यहां पे जिन स्टूडेंट्स ने 11th क्लास पास कर रखी है और वो यहां पे दिल्ली पुलिस के स्टाफ के बेटे हैं,
उनको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास तक रिलैक्सेबल दी जा रही है। अगर आप सन है दिल्ली पुलिस में, अगर आपके फादर जो है वो काम कर रहे हैं या फिर रिटायर्ड हैं या फिर डिसीज्ड हैं, यानी कि उनकी डेथ हो गई थी सर्व करते टाइम, अगर आप उनके बेटे हैं तो भी आपको यहाँ पे रिलैक्सेबल अप टू 11th क्लास तक मिलेगी। सिमिलरली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी रहेगा, जो हम नीचे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे इसेंशियल रिक्रूटमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लोकोमोटिव व्हीकल फॉर द पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल इन दिल्ली पुलिस एज ऑन द डेट ऑफ पीईटी एंड द पीएमटी। तो यहाँ पे ध्यान दे कि जो स्टूडेंट्स कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल इन दिल्ली पुलिस के अंडर अप्लाई करेंगे, उनका यहाँ पे मोटरसाइकिल या फिर कार का ड्राइविंग लाइसेंस भी फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे मांगा गया है, जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास होता भी है। अगर आपके पास नहीं है तो अभी से प्रोसेस उसकी आप शुरू कर दे। जो आपके पास लर्नर लाइसेंस है वो आपका नहीं चलेगा, लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, मोटरसाइकिल का या फिर कार का मैक्सिमम कैंडिडेट्स के पास होता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे अपना जो लाइसेंस है वो बनवा लें जल्दी से जल्दी। उसके बाद आप यहां पे देख सकते हैं एज आपकी यहां पे मेल कैंडिडेट्स के अंडर 18 से लेकर 25 इयर्स तक जनरल कैंडिडेट्स के लिए रहेगी, और जो स्टूडेंट्स शेड्यूल कास्ट से या फिर शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनका यहां पे 5 साल तक का रिलैक्स एक्शन रहेगा, यानी कि वो 35 इयर्स तक जो कैंडिडेट है वो इस कैडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और अप टू द मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर। जो स्टूडेंट्स ओबीसी से अदर बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे 3 साल तक का एज में रिलैक्स एक्शन दिया जाएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 ईयर फॉर स्पोर्ट्समैन ऑफ डिस्ट्रिक्शन हु हैव रिप्रेजेंटेड अ स्टेट एट द नेशनल लेवल। जिसने यहाँ पे स्पोर्ट्स खेला हुआ है एट द नेशनल लेवल और द कंट्री एट द इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्स में, उसको भी यहाँ पे 5 साल तक का रिलैक्स एक्शन जो है वो एज में रहेगा। तो ये आपका एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा मेल कैंडिडेट्स के अंडर। तो ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ पे ध्यान रखें, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा जो कि आपको अपना सबमिट करवाना है जब आपका रिटन एग्जाम के बाद फिजिकली एंड्योरेंस या फिर फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट रहेगा, यानी कि अभी आपकी रिक्रूटमेंट जो है वो जून एंडिंग या फिर जुलाई में इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे, कहीं फिर सितंबर अक्टूबर तक आपका ये ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल का चाहिए। तो आप यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस से अभी से अप्लाई कर दें अगर आप इसके ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो अब हम यहाँ पे इसका डिस्कस कर देते हैं क्या आपकी हाइट और चेस्ट मेल कैंडिडेट्स के लिए रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो आपकी हाइट है वो आपकी मिनिमम 170 सेंटीमीटर्स होनी ही चाहिए किसी भी रीजन से आप बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डोगरास, गोरखास, मराठास एंड कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू दिस, यहाँ पे सारी स्टेटें लिखी हुई हैं, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अगर आप इन स्टेटों से बिलोंग करते हैं और आपकी कम्युनिटी डोगराज, मराठास, गोरखास है, तो आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर तक का रिलैक्सेशन हाइट में मिलेगा, यानी कि अगर आपके 165 सेंटीमीटर हैं तो भी आप इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे सेकेंडली देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स एसटी हैं उनको भी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल रहा है किसी भी स्टेट से वो बिलोंग कर रहे हैं। अगर आपके फादर जो है दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड है या फिर सर्विंग है या फिर उनकी सर्व करते टाइम डेथ हो जाती है तो भी आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे हाइट में मिलेगा। उसके बाद आप यहाँ पे चेस्ट का पढ़ सकते हैं, मिनिमम आपकी यहाँ पे चेस्ट 81 सेंटीमीटर से लेके 85 सेंटीमीटर मैक्सिमम होनी चाहिए, और विद मिनिमम आप 40 सेंटीमीटर एक्सपेंशन आपका चेस्ट का रहेगा। उसके बाद सिमिलरली जो ऊपर में हमने डिस्कस किया था कि हिल एरिया वालों को यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की हाइट में रिलैक्सेशन मिलेगी, सिमिलरली यहाँ पे भी चेस्ट में आपको 5 सेंटीमीटर यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन रहेगी चेस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिकली एंड्योरेंस टेस्ट क्वालिफाइंग, जो स्टूडेंट्स रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद जो आपका फिजिकली एंड्योरेंस टेस्ट कंडक्ट होगा जिसमें आपकी रनिंग रहेगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं अप टू 30 ईयर्स, यानी कि जिनकी एज 30 ईयर्स तक है बिलो भी है वो भी इसके अंडर आ जाएंगे, उनको यहाँ पे 1600 मीटर जो है वो रेस लगानी है 6 मिनट्स के अंदर। लॉन्ग जंप आप यहाँ पे देख सकते हैं जो अप टू 30 ईयर वाले कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 14 फीट का लॉन्ग जंप लगाना है, और हाई जंप आपका 3 फीट 9 इंचज का रहेगा। उसके बाद जिन कैंडिडेट की एज 30 to 40 ईयर्स रहती है उनको 7 मिनट्स 1 मिनट ज़्यादा मिल जाएगा, 1600 मीटर जो रेस है उनको 7 मिनट्स में कवर करनी है, और लॉन्ग जंप भी 1 फीट यहाँ पे कम है, 13 फीट का उनको यहाँ पे लॉन्ग जंप लगाना है, और हाई जंप यहाँ पे 3 फीट एंड 6 इंचज का
आपको हाई जंप लगाना है। सिमिलरली आप जो स्टूडेंट्स 40 ईयर से ज्यादा है वो भी आप यहाँ पे एंड्योरेंस का जो टेस्ट आपका रहेगा उसका यहाँ पे देख सकते हैं कितनी रेस लॉन्ग जंप और हाई जंप रहेगा। उसके बाद फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट मैंने आपको बता दी, हाइट और चेस्ट जो इन्होंने ऊपर दी हुई है वो आपकी फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट में होगी। तो फ्रेंड्स ये कंप्लीट प्रोसेस रहेगा मेल कैंडिडेट्स के लिए। अब हम यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी सेम जो हमने मेल कैंडिडेट्स के लिए एजुकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस किया था, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स के भी आपकी 12th पास होनी चाहिए और रिलैक्सेबल अप टू 11th क्लास तक रहेगी। अगर आप डॉटर हो, अगर आप बेटी हो, अगर आपके फादर जो है वो सर्व करते हैं दिल्ली पुलिस में या फिर रिटायर्ड है या फिर डिसीज्ड है तो भी आपको यहाँ पे रिलैक्सेबल मिलेगी 11th क्लास तक। उसके बाद एज आप यहां पे देख सकते हैं, सिमिलरली जो मेल कैंडिडेट्स के लिए एज रहेगी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहां पे सेम एज रहेगी, सेम रिलैक्सेशन रहेगी जो हमने ऊपर डिस्कस की थी। तो अभी हम यहां पे मेन जो है वो फीमेल कैंडिडेट्स के अंडर वो हम यहां पे डिस्कस करेंगे जो यहां पे फिजिकली आपका मेजरमेंट का क्राइटेरिया रहेगा। तो फिजिकली मेजरमेंट के अंडर आप फीमेल कांस्टेबल के अंडर आप देख सकते हैं हाइट आपकी यहां पे कम से कम 157 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होनी चाहिए और 2 सेंटीमीटर यहाँ पे रिलैक्सेशन मिल रही है जो स्टूडेंट्स हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अगर आप इन स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की जो रिलैक्सेशन है फीमेल कॉन्स्टेबल के अंडर मिलेगी। उसके बाद जो स्टूडेंट्स एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे 2 सेंटीमीटर की जो रिलैक्सेशन है फीमेल कैंडिडेट्स को मिलेगी। अगर आप डॉटर हैं या फिर आपके फादर जो है वो सर्व करते हैं रिटायर्ड हैं दिल्ली पुलिस के अंडर तो आपको यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन मिलेगी। उसके बाद फिजिकली एंड्योरेंस टेस्ट आप देख सकते हैं जब आपका रिटन एग्जाम के बाद कंडक्ट होगा, इसमें फीमेल कांस्टेबल के लिए जो आपकी एज है अप टू 30 इयर्स वाले कैंडिडेट जो भी 30 इयर्स से नीचे आ जाएंगे उनको यहाँ पे 1600 मीटर रेस लगानी है 8 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप आपको यहाँ पे 10 फीट का लगाना है और हाई जंप आपको यहाँ पे 3 फीट का लगाना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर आपकी एज जो है फीमेल कैंडिडेट के अंडर अगर आपकी एज 30 और 40 इयर्स के बीच में है आपको यहाँ पे रेस लगानी है 1600 मीटर 9 मिनट के अंदर और लॉन्ग जंप जो आपका रहेगा वो 9 फीट का रहेगा और हाई जंप आपका 2 फुट एंड 9 इंचेस का रहेगा। तो ये आपका फिजिकली एंड्योरेंस टेस्ट जब आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे तब आपका कंडक्ट होगा। और जो फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट आपका सिमिलरली हाइट जो आपकी रहेगी, चेस्ट का क्राइटेरिया कोई नहीं रहेगा फीमेल कैंडिडेट के अंडर, आपकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हाइट मेजर की जाएगी फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट के अंडर। तो जो स्टूडेंट्स मेल एंड फीमेल कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के अंदर क्वालिफाई हो जाते हैं, अपना रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, फिजिकली एंड्योरेंस एंड फिजिकली मेजरमेंट टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद आपका यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होगा। आपकी यहाँ पे विजन भी चेक की जाएगी 6x12 विदाउट ग्लासेस बोथ आइज के लिए होनी चाहिए और बाकी जो यहाँ पे मेडिकल का क्राइटेरिया रहेगा वो जब हम डिटेल्ड में इसकी नोटिफिकेशन आएगी वो हम तब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी क्रूशियल डेट रहेंगी वो आप यहाँ पे क्लियरली फ्रेंड्स देख सकते हैं, जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है वो उनके यहाँ पे दूर हो जाएगी। तो अभी से इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल होना शुरू नहीं हुए हैं, यहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं द क्रूशियल डेट्स फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज फर्स्ट ईयर 1 जनवरी ऑफ द ईयर। अगर इसके रिक्रूटमेंट 30 जून से पहले पहले इसके अगर ऑनलाइन फॉर्म फिल होना शुरू हो जाते हैं तो आपकी जो एज है 25 ईयर्स मैक्सिमम वो आपकी 1 जुलाई ऑफ द ईयर यानी कि 1 जुलाई 2019 तक आपकी जो एज है कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 25 साल तक होनी चाहिए जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए। और सिमिलरली जो स्टूडेंट्स रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी रिलैक्सेशन वाली एज है वो मिला के उनकी जो एज है 1 जनवरी 2019 तक होनी चाहिए अगर इसकी रिक्रूटमेंट 30 जून से पहले शुरू हो जाती है। यदि इसकी जो रिक्रूटमेंट है 1 जुलाई के बाद शुरू हो जाती है यानी कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर तब आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2019 तक गिनी जाएगी यानी कि आपकी जो एज है कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल आपकी 1 जुलाई 2019 तक होनी चाहिए। तो अभी इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो फिल होना शुरू नहीं हुए हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर 30 जून से पहले शुरू होंगे तब आपका क्रूशियल डेट्स कुछ और होंगी, अगर आपका 1 जुलाई के बाद फॉर्म फिल होना शुरू होता है तब आपकी यहाँ पे जो एज के रिगार्डिंग आपकी क्रूशियल डेट्स रहेंगी वो आपकी डिफरेंट रहेंगी। तो फ्रेंड्स ये था इसका कंप्लीट जो मेल एंड फीमेल कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के अंडर क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या आपके फिजिकली स्टैंडर्ड्स आपके होनी चाहिए इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए और क्या इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। कंप्लीट प्रोसेस हमने इस वीडियो में डिस्कस कर ली है तो अब आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो गई होगी कि आप दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर
सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल आप इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जब इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल होना शुरू होंगे तो मैं आपको वीडियो के थ्रू कंप्लीट बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे इसके ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप करना है। फोन से ही कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान दें कि ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिर्फ और सिर्फ आपके यहाँ पे 100 रुपीज़ फीस रहेगी जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए, और जो स्टूडेंट्स रिजर्व्ड कैटेगरी SC ST से बिलोंग करते हैं उनकी यहाँ पे कोई भी फीस जो है वो नहीं रहेगी, और वुमेन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे कोई भी फीस नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट जो दिल्ली पुलिस के अंडर कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के अंडर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स की वैकेंसियाँ निकली हैं, उसका क्या कंप्लीट प्रोसेस रहेगा वो हमने इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे को डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे विद इन सेकंड्स में रिप्लाई करूंगा और आपकी प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे कि फ्रेंड्स आप हमेशा मेरी नई अपडेटेड वीडियो से अपडेट रहें। फ्रेंड्स थैंक यू फ्रेंड्स।